अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फिश करी। तो यहाँ पर फिश करी कैसे बनाते हैं, बहुत अलग तरीके से बनाएंगे और बहुत कम समय लगेगा और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर सर्दी का मौसम बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा क्या बनाए, किस तरीके से बनाए। तो हमने सोचा यहाँ पर फिश बनाते हैं, क्योंकि फिश बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में अच्छी लगती है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी बनती है। यहाँ पर हमने फिश बनाकर आपके साथ शेयर किया है, इस तरीके से आप भी बनाइए सर्दी के मौसम में, और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट लाजवाब है और बहुत कम समय में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल फिरदौस चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो लिया है, यहाँ पर फिश जो है हमारी 1.5 किलो, इसको मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से हम दो रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे और वो भी फटाफट बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने एक नींबू का रस निचोड़ दिया। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले नमक डाल देंगे, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाइएगा। अब इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मतलब तीखी रहेगी तो अच्छी लगेगी। यहाँ पर हम थोड़ा चटपटा तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आया है और कलर बहुत बेहतरीन दिखता भी है। तो अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे आमचूर पाउडर। हम इसको जैसे ग्रेवी वाले में बनाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं, अगर यहाँ पर हम अलग तरीके से बनाएंगे तो इसमें आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया है, तो इसमें से आधा आधा कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे ना, फ्लेम पे एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि यहाँ पर हम फिश को फ्राई करेंगे ना इसलिए। और इन सारी चीजों को अच्छे से कोट कर लेंगे, और कोट करने के बाद क्या करेंगे, इन मसालों को कोट कर देंगे और इसको हम साइड करते जाएंगे। यहाँ पर हम आधा कर लेंगे और आधे को बनाएंगे फिश के पकौड़े, यहाँ पर फिश फ्राई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। तो यहाँ पर जो हमारी 1.5 किलो फिश है, इसको हम आधा कर लेंगे। फ्लेम पे कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे, इसी साथ में थोड़ा सा मेथी डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, और आधी इस रेसिपी में बनाकर तैयार करेंगे। और जो हमारी आधी चीज बचेगी ना, उसको हम दूसरी रेसिपी में बनाकर तैयार करेंगे। इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं बनाकर तैयार करेंगे, यहाँ पर हम एक रेसिपी ही बनाकर तैयार करेंगे। तो जो हमारी फिश है उसको हम फ्राई कर लेंगे, दोनों को उलट से पलट के दोनों तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हम फिश ग्रेवी वाली बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो जो हमारी फिश है उसको हम दो बार में फ्राई करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो हमने इसमें हल्दी डाल दिया था उसकी वजह से इसका कलर कितना ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा कलर आया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको मतलब एक बार फ्राई करके फिर उसको निकाल लिया, और जो हमारी बच्ची हुई थी ना फिर उसको हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड से हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और एक साइड में हमारी फ्राई होती जाएगी तो यहाँ पर हम ग्रेवी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज का सागा डाल देंगे, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी डालने पर उसको कवर करके एक जैसे मतलब बारीक सा पेस्ट होता ना उस तरीके से उसको बारीक कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बारीक हो चुका है। अब इसमें हम प्याज भी पीस लेंगे, इसको हम पहले भी डाल सकते थे लेकिन हम यहाँ पर भूल गए थे, तो इसको हमने डालकर अच्छे चला लिया और पीस भी लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा हमने डाला है हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे 3 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे पिसा हुआ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। एक साइड में हमने पूरा मसाला भी बनाकर तैयार कर लिया, इसी के साथ में जो हमारी फिश है पूरी तरीके से फ्राई भी हो चुकी है उसको भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म है, इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़े डालेंगे राई, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 डालेंगे हरी इलायची, और इसमें 2 से 3 लौंग डाल देंगे, और इसमें हम डाल लेंगे हींग और 1 तेज पत्ता डाल देंगे। हींग डालने से क्या होता है ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो चुका था, तो अब क्या करेंगे, इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए, तेल भी हमारा गर्म है, और इसमें हम मसाले जो हमने पीस कर रखे थे ना उसको डाल देंगे, और इसको हम चला देंगे पूरी तरीके से, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे पूरी तरीके से। और जार में थोड़ा सा पानी डाल के सारे मसाले निकाल लेंगे, ताकि जो हमारे मसाले बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, सारे मसाले इसको हम यूज़ कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब इसमें डालेंगे हम यहाँ पर टेस्ट अनुसार नमक, और अब इसको कवर कर देंगे और साइड में हमारा मसाला पकता रहेगा। और यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं, टमाटर को हम कद्दूकस करके डालेंगे, तो जो हमारा फिश बनेगा ना फिश करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप यहाँ पर कटिंग करके डाल सकते हैं, पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे ना इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत अलग फ्लेवर आता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर कद्दूकस हो गया है, तो कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो मसाले को सबसे पहले चला देंगे। अब हमने मसाले को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है, और उसके बाद क्या करना है, इसको हम चलाने के बाद इसको हम जो यहाँ पर टमाटर को कद्दूकस करके रखे थे ना उसको डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टमाटर को भी पकाना पड़ेगा। तो मसालों के साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे,
और मिक्स करने के बाद इसको हम पकाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम कुछ मसाले और भी ऐड करने वाले हैं। इसमें डालेंगे फिश करी मसाला, इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया था। अगर आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं तो इस तरीके से तो आप बिल्कुल एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ना पूरी तरीके से अच्छे से मसालों के साथ पक जाएँ। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, सबसे पहले इसको हम चला देंगे और चलाने के बाद क्या करेंगे ना, जो हमारी फिश है उसको भी डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम चला देंगे और चलाने के बाद इसे सिर्फ भुनाई करनी है। और भुनाई तो पूरी तरीके से हो ही चुकी है मान लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जिसका मसाले का तेल होता है पूरी तरीके से अलग हो चुका है, तो यहीं तक भुनाई करनी होती है। अब इसमें ग्रेवी बनाने के लिए हम गर्म पानी ऐड करेंगे, सादा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने गर्म कर लिया था पानी, और पानी डालने पर इसको हम वापस से चला देंगे और कवर कर देंगे और पूरी तरीके से इसको हमने 2 मिनट के लिए पका लिया है। यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसी के साथ में हरा धनिया डाल देंगे, हरी धनिया डालने से इसकी खूबसूरती जो होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि माशाल्लाह इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है और टेस्टी भी तो बहुत ज़्यादा बना है। तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यहाँ पर मेरे और मेरे हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा उनको, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फिश बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरीके से मैंने उनको बनाकर खिलाया तो उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत खुश हुए हैं, बहुत तारीफ ही तारीफ हुई है यहाँ पर मेरी। और आप भी इसी तरीके से बनाइए, आपकी भी तारीफ ही तारीफ होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।